कैनेडा स्टडी वीज़ा एस टी एस के रिजल्ट की गल करांगे। बहुत चंगे डिसीजन स्टूडेंट्स नूं मिल रहे हैं, जिदे विच्चों बहुत चंगे डिसीजन आइल्स ओवरऑल 6 नॉट लैस दैन 5.5 वाले बच्चों के आ रहे हैं। बहुत ही चंगे रिजल्ट पी टी ओवरऑल 60 वाले बच्चों के आ रहे हैं, तो नाल नाल 6 वाले बच्चों के रिजल्ट पहला भी चंगे से तो हूँ भी आ रहे हैं। अज 4 एप्लीकेशन की गल करूँगा एंड जिहड़ियां यह एप्लीकेशन ने 6 वाले स्टूडेंट दियाँ। पहली एप्लीकेशन इमरान सिंह चाल दी है, जो कि प्लस टू मैडिकल का स्टूडेंट है एंड हाउस पैड कलोनी बठिंडा के रहने वाले आ। प्लस टू मैडिकल साल 2023 ओवरऑल 8 स्कोर आ, लिसनिंग 9 बच्चे का स्कोर आ, स्पीकिंग 8.5 स्कोर आ, रीडिंग 7, राइटिंग 6.5। रेड रिवर कॉलेज हैल्थ इनफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बच्चा अपलाई करता, जनवरी 2024 इनटेक 26 दिन कैनेडा स्टडी वीज़ा। नैक्सट स्टूडेंट प्रभजोत कौर, जिन्होंने बी ए साल 2020 की है एंड जिहड़ा मछियाणा डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के रहने वाले आ। 6.5 आइल्स का स्कोर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बच्चा अपलाई करता, 21 दिन के 31 अगस्त उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट हुई थी। रमनप्रीत कौर बी एस सी नर्सिंग की स्टूडेंट है, तो ओवरऑल 7 बैंड से अपना कैनेडा स्टडी वीज़ा बच्चा अपलाई करता, जो कि फरीदकोट के रहने वाले आ एंड सेंट लॉरेंस कॉलेज हेल्थ केयर एडमिन के बच्चा एडमिशन लेंदा, जनवरी 2024 इनटेक के लिए। 31 अगस्त को एप्लीकेशन सबमिट हुई, 21 दिन बाद कैनेडा स्टडी वीज़ा अपरूव होया। सिमरनप्रीत कौर सरा प्लस टू 2020 पास आउट आ एंड जिहड़ा इकनोमिक्स का स्कोर 46 है, पोलीटिकल साइंस का 49 आ, उस तो बाद ऑफिस असिस्टेंट का एक्सपीरियंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा बेस्ट के ओवरऑल 6 एडमिशन करवाई गई, एसोसीएट ऑफ आर्ट्स डिग्री के, जनवरी 2024 इनटेक से, 20 दिन के कैनेडा स्टडी वीज़ा अपरूव होंगे। सो बहुत चंगे रिजल्ट एस टी एस प्रोफाइल वाले स्टूडेंट नूं मिल रहे हैं, चाहे तुहाडे आइल्स ते ओवरऑल 6 आ, चाहे तुहाडे आइल्स ते ईच 6 ने, जां तुहाडा पी टी ओवरऑल 60 स्कोर आ, रिजल्ट सारे बच्चों के बराबर ने।